सब लोगों को मालूम है कि इनके अध्यक्ष जो है वो कौशाम्बी में रहते हैं। जब आप कौशाम्बी में रहते हो और आप अपना वोट दिल्ली में बना रहे हो तो झूठ बोल के बना रहे हो, तो जब आप शुरुआत ही अपनी झूठ बोल के कर रहे हो तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ोगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कानून अपना काम करेगा, कानूनी तौर पर तो नहीं पर नैतिक रूप से कांग्रेस का ये सवाल कौशाम्बी में रहकर करप्शन से लड़ने वाले केजरीवाल को परेशान कर सकता है। कौशाम्बी दिल्ली के आनंद विहार इलाके से एकदम सटा हुआ NCR का हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश में आता है। ऐसे में ठीक चुनावों के पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की अगुवाई कर रहे अरविंद केजरीवाल की बुनियाद हिलाने की कोशिश की है। मोरली जो है ये कहाँ से सही है, अगर आप रहते कौशाम्बी में हो और आप ये कह रहे हो कि हम दिल्ली में रहते हैं। हाँ, कौशाम्बी जो है यूपी का इलाका, यूपी का इलाका पड़ता है और आप ये कह रहे हो कि हम दिल्ली में रहते हैं और हम दिल्ली के वोट बनाएंगे, तो मोरली टेक्निकली हो सकता है गलत ना हो। हाँ, लेकिन मोरली तो गलत है। हाँ, तो आप फिर किस भ्रष्टाचार के खिलाफ और किस मॉरल लड़ाई की बात कर रहे हो। वोटर आईडी कार्ड में अरविंद केजरीवाल ने जो पता दिया है वो दिल्ली के कनॉट प्लेस के 41 हनुमान रोड का है। कानूनी तौर पर इसमें कहीं कोई गलती नहीं है और ना ही ऐसा किए जाने पर रोक है। एक ही शख्स के कई जगहों पर घर, मकान या रिहाइश हो सकती है जिनमें से वो किसी एक पर वोटर कार्ड बनवा सकता है। ये भी सच है कि केजरीवाल का ठिकाना कौशाम्बी है, लिहाजा हमला नैतिक ताकत के जोर पर है। लेकिन चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी भी सियासत के दांव पैंतरे सीख चुकी है और पलटवार पर उतारू है। अब अरविंदर सिंह लवली जी को थोड़ा अपनी पार्टी के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। 7 रेस कोर्स पर जाकर सबसे पहले उनको देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर आसाम से हैं जहां वो एक दिन भी नहीं रहे हैं और वहां के वो निवासी अपने आप को बताते हैं। तो नैतिकता का पाठ हरविंदर सिंह लवली से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने तो 3-3 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया है। राजीव गांधी जी हमारे खुद जहां का रहने वाला हूं, अमेठी से सांसद होते थे, वहां के निवासी नहीं थे, दिल्ली के रहने वाले थे। राहुल गांधी जी दिल्ली में मकान है, अमेठी से चुनाव लड़ते हैं। सोनिया गांधी जी दिल्ली अमेठी से चुनाव लड़ी, संजय गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़े। तो ये सब मनसे वाली राजनीति से थोड़ा बचना।